हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की जो हमारी स्पेशल रेसिपी है, जो वेट लॉस की रेसिपी है, वो है वेजिटेबल मूंग दाल का चीला, जिसे हमने स्पेशली ऑलिव ऑयल में बनाया है। कई लोग इसे मूंगलेट भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1.5 कप मूंग की दाल को मैंने रात को भिगो के रख दिया था सुबह नाश्ता बनाने के लिए। तो एकदम परफेक्टली फूल चुकी है हमारी जो दाल है, और उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मूंगलेट या मूंग दाल चीला बनाने के लिए फ्रेंड्स, दाल को हमें हल्का सा दरदरा रखना है। अगर आप दाल का डोसा बनाने जा रहे हैं तो आप इसको एकदम बारीक पीस लें, लेकिन अगर मूंगलेट या चीला बनाने जा रहे हैं तो हमें इसको हल्का सा दरदरा रखना होता है, तभी इसका जो रियल टेस्ट है वो आता है। तो ये देखिए, मैंने उसमें छोटा सा टुकड़ा अदरक का छील करके एक साथ में ग्राइंड कर लिया है। उससे क्या है, फ्लेवर हमारे चीलों का बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो ये परफेक्ट वेट लॉस रेसिपी है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हम यूज़ करने वाले हैं ऑलिव ऑयल, प्योर ऑलिव ऑयल, जो कि शैलो फ्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी तरीके से हम दो हिस्सों में करके मैंने दाल को पीस रही हूँ मैं, और इसी तरीके से हम इसको पीस लेंगे। एक बोल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और बची हुई दाल को भी पीस लेंगे। तो साइड में मैंने एक प्याज कट करके रखी है, एक टमाटर, दो हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया पत्ती फ्रेंड्स। तो अगर आप इसको ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं फॉर वेट लॉस, तो 1 से 2 चीले काफ़ी रहेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी फुलफिलिंग लगता है, और आपको लंच तक बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है, और प्रोटीन से भरपूर है, फाइबर से भरपूर है, तो आपके लिए वेट लूज में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये देखिए, दाल को मैंने, बची दाल को भी ग्राइंड कर लिया है, और इसको भी हम बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं, फिर हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी लोग हेल्दी हैं उनके लिए भी हेल्दी ब्रेकफास्ट एकदम फुलफिलिंग और सेटिस्फाइंग अगर आप खाते हैं तो फुल डे एक्टिव रहते हैं, और आपको हर तरीके से प्रोटीन, विटामिन, फाइबर्स हेल्पफुल रहते हैं। तो ये देखिए, सारी सब्जियाँ जो मैंने कट करी थी वो बोल में डाल दी हैं, और इसमें क्या है, मैंने थोड़े से मसाले डाल लिए हैं। शायद कैमरा उस वक्त ऑफ हो गया था गलती से, तो मैंने इसमें 1/4 टीस्पून सारे मसाले डाले हैं। नमक 1.5 टीस्पून डाला है, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला मैंने डाला है 1/4 टीस्पून। तो साइड में मैं ये चटनी बना रही हूँ, हरी चटनी, जिसके साथ हम इनको सर्व करेंगे तो सुपर यम्मी लगते हैं। तो मैंने ले लिया है धनिया पत्ती, 3-4 हरी मिर्च, थोड़े से हमने ले लिए हैं जीरे के दाने, और 1 नींबू का रस डाल दिया है, और मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, और 1/4 टीस्पून नमक डाला है। थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसको पीस लेंगे, हमारी परफेक्ट हरी चटनी बनके रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। और ये देखिए, ये जो ऑयल है, ऑलिव ऑयल फिगारो का मैं यूज़ कर रही हूँ, इसको हम एक बोल में ले लेंगे, और ब्रश से या फिर स्पून से बहुत ही मिनिमल हमें यूज़ करना है फ्रेंड्स। जो ऑलिव ऑयल है, मेरी एक वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया था कि 3 तरीके का होता है। एक होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, जिसको आप कोल्ड ही यूज़ कर सकते हैं, ड्रेसिंग ऑफ सैलड और मैरिनेशन ऑफ सॉसेस एंड डिप्स। फिर ये वाला है प्योर ऑलिव ऑयल, इसके लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं करी बनाने के लिए, फिर या फिर शैलो फ्राइंग लाइक चीला एंड ऑल, ये सब के लिए। फिर आता है एक्स्ट्रा लाइट वर्जिन ऑयल, जिसमें कि हम पूड़ी, समोसे या फिर फ्राइंग का कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, चीले को मैंने स्प्रेड किया है। अगर आप 2 चीले खाना चाहते हैं तो इस साइज़ का मैंने बनाया है। 2 चीले, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, काफ़ी रहते हैं, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी।
तो ये देखिए हमारा चीला एक तरफ से सिकने का हम वेट करेंगे और दूसरी साइड से इसको फ्लिप कर देंगे। ब्रश से मैंने हल्का सा ऑलिव ऑयल लगाया और ब्रश से ही थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अगर हम टेस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स टेस्ट एकदम सेम आता है। मैं अब से पहले सालों साल से सफोला में कुकिंग करती थी, अभी ऑलिव ऑयल में कर रही हूँ और टेस्ट मुझे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं लग रहा है, एकदम सेम ही लग रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑलिव ऑयल में बना हुआ खाना स्वाद नहीं लगता है, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, एकदम मुझे तो सेम ही टेस्ट लगता है। तो ये देखिए दूसरा भी चीला हम इसी तरीके से बना लेंगे फ्रेंड्स, और चटनी भी पिसकर तैयार हो चुकी है। तो ये मैंने पूरी फैमिली के लिए बनाया है फ्रेंड्स, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए और मेरे बेटे के लिए। अगर आप तो उस हिसाब से आप दाल वगैरह और सब्जियां वगैरह कट करिएगा तो मेजरमेंट आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये देखिए इसको भी हम दूसरी साइड से पलट देंगे। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको वेट लूज़ में हेल्प मिली या नहीं। और ऐसी ही वेट लॉस रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डेली मैं एक वेट लॉस रेसिपी अपलोड कर रही हूँ। तो हमारी सुपर टेस्टी चीले मूंगलेट बनके तैयार हैं फ्रेंड्स। जल्दी ही मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, टेक केयर।